पीर पंचाल ने पाड़ सोने इसने शहर बाजार का माल तको सोने पाड़ गराते मर्ग बैका पाड़ी शिंगरा चोटियां वल गुल बूटे सोने डाल डाल तको सत सरावाली गिरजन टोक सोनी नाले जंगल ते नाले पंजाल तको जी हां, एक खिता ही पीर पंचाल है। फितरत निया फुलकारियां संग हारिया सिंगारिया ना खिता रियासत जम्मू व कश्मीर ना हिस्सा है। ये रियासत 15 मार्च 1846 की जम्मू ने राजा गुलाब सिंह ते अंग्रेज सरकार ने बशकार एक मुआहदे मुजब वजूद विच आई। इस नवी रियासत विच इलाका जम्मू ने इलावा वादी कश्मीर लद्दाख गलगित ते इलाका पीर पंचाल भी शामिल कीता गया सा। पीर पंचाल ना खित्ता वादी कश्मीर ने जनूब ते जनूब मगरबी पहाड़ी चोटियां थी शुरू हुई पुंछ राजौरी मीरपुर पिंबर उड़ी ते मुजफ्फराबाद तोड़ी चलिया गया है। 1947 ने वाकयात मगरू हदे मतार का जिसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आखनीन खिताए पीर पंचाल ने ऐन बशकार कायम हो गया। त इलाका मीरपुर कोटली बाग रावला कोट त मुजफ्फराबाद सरहद ने उस पार रही गई। पर सरहद ने दोवा पासे रहने आले लोकानी न सिर्फ जबान एक है तहजीबी त सकाफती विरसा भी सांझा है। सबु लोकां विच आपसी रिश्तेदारियां भी कायम हैं। इस खित्ते विच दो तरह ने कबाइल आबाद हैं यानी गुज्जर बकरवाल ते पहाड़ी कबाइल। गुज्जर और बकरवाल जिन्हाना तारीखी पस मंजर ते सकाफती विरसा बड़ा कदीम ते उन्हानी मां बोली गोजरी जबान है। गुजरानी बड़ी तादाद नी रोजी रोटी न दारो मदार माल बच्चा पाली ते निक्के निक्के बड़ा विच हाल भाई ते होना है। ये लोग आम तौर पर जंगलां ते बैकाने नेड़े कच्चे कार कोठियां विच बसने ते नीच कबायली तर्ज जिंदगी गुजारने हैं। गुजराना ओ तबका जड़ा खाना बदोशिया पैडा पारू ने खिलियां ते अजड़ा संग कोड़ियां पर माल समयान लद्दी कै का पठे नी लोड़ विच एक जगह थी दूजी जगह नकल मकानी करना तंबुआ विच रहना टोकां मरगां ते बैकां विच अकीर बालना ते ढेरे लाना या उन्हां की बकरवाल आखने हैं। पीर पंचाल ने खित्ते दी रहतलना सब थी बड़ा हिस्सा पहाड़ी कबाइल पर मुश्तमिल है जड़े थुनी जद्दी पुश्ती कबाइल मन्ने जाने हैं। ये ओई कबाइल हैं जिन्हां की तारीख विच कश्मीर ना मुहाफिज ते निगेबान ना नां दिता गया है। इन्हनियां बस्तियां एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ने अरार ते पार दोवां पासे खिंडियां नी हैं। पहाड़ी लफज थी मराद पावे पहाड़ां विच रहने आले लोकां नी होनी है पर रियासत जम्मू कश्मीर विच पहाड़ी उस कबाइल नी शनाखत नी अलामत हैं जिन्हानी मां बोली पहाड़ी जबान है ते जड़े खिताए पीर पचाल विच आबाद हैं। मशहूर अंग्रेज सिया फ्रेडरिक ड्रीओरां अपनी किताब द नॉर्दर्न बैरियर ऑफ इंडिया विच पहाड़ियां की एक मजबूत मेहनती ते चुलबुली तबीयत आले ताकतवर कबीले ने तौर पर शनाखत कीती है जिन्हानी मादरी जबान पहाड़ी है। पहाड़ी बतेरियां जातां ते फिरकियां विच बंडे ने हैं जिसरा मलक जराल चिब सुल्तन थकियाल टोंड
धमाल, पीरोजाल, खगड़, खखे, बम्बे, जट, राठौर, तमाल, सैयद, कुरेशी, पठान वगैरह। इन्हां की छोड़ी ओ हिंदू ते सिख लोग जड़े इलाका पीर पंचाल रहने हैं, जिन्हां ना पहनावा खाइबा ते जबान पहाड़ी है, ओ भी पहाड़ी कबाइल ना हिस्सा गिने जाने हैं। ये सारे लोग मुश्तरका जबान ते विरसे ने रिश्ते विच बदे ने हैं। पहाड़ी जबान ना असली रस्मुल खत लुंडे या टाकरी मनिया गया है, पर आजकल पहाड़ी की शाहमुखी रस्मुल खत विच लिखिया जाना है। खड़ी शरीफ मीरपुर ने सूफी शायर हजरत मियां मोहम्मद बख्शोरानी किताब मसनवी सैफल मलूक जदीद पहाड़ी नी पहली किताब मनी गई है, जड़ी की 1892 और 1907 ने बशकार लिखन हुई सी। इस थी बाद पहाड़ी विच बैत ते सीआरफियां लिखने ना रवाज पिया। बख बख इलाकियां विच पहाड़ी ने मकामी ना भी लबने हैं, जिसरा मीरपुरी, चबाई, पुंछी, पोठारवी, हिंदको ते कागानी। पर तलफज ते लफज ने निक्के मोटे हेर फेर की छोड़ी ए इको जबान है, जिसकी पहाड़ी आख्या गया है, ते जड़ी पीर पंचाल ने पूरे खित्ते विच फरावानी संग बोली ते समझी जानी है। खिताए पीर पंचाल नी तारीख ने डांडे अहदे कदीम संग जाई रलने हैं। आज भी ग्रामा विच पुरानी तहजीब ने आसार, बावलियां ते धंधे, पुराने वक्तानी बुत तराशी ने नमूनियां थी लबी जानी हैं। पांडू महल कालाकोट ने खंडर इस गल नी गवाही देने हैं कि कुसे जमाने विच पीर पंजाल ना खिता आला ताजीब ना मरकज होना सा। कलहन्नी राज तरंगनी मुजब 10वीं सदी ईस्वी ने कोल काल इलाका पीर पंजाल ना खिता त्रिया हिस्सों विच बंडिया ना सा, यानी रियासत लोअर कोट पुंछ, रियासत राजपुरी राजौरी ते रियासत कोटली, जिथे पहाड़ी हिंदू राजे अपनी हकूमत करने होने सन। फिर इस्लाम की फरोग हासिल होया ते इस खित्ते नी आबादी ना एक बड़ा हिस्सा मुशर्रफ बा इस्लाम होई गया। इसरा 19वीं सदी ने आगाज विच इथे मुसलमान राजियां ते सुल्तानानियां कोई 15 रियासतां, राजवाड़े ते जागीरां कायम सन, जिन्हां विचों रियासत राजौरी, रियासत पुंछ ते रियासत मुजफ्फराबाद काबले जिक्र पहाड़ी रियासतां होनियां सन। इन्हां सारियां रियासतां, जागीरां ते राजवाड़ियां की 1819 और 1846 ने बिश्कार खालसा सरकार लाहौर निया फौजां एक एक करी पामाल कीता सा। फिर 1846 विच जदू राजा गुलाब सिंह रियासत जम्मू तक कश्मीर ने महाराजा बनी गए, ते उन्हां पीर पंचाल ने दामन विच वाकया पहाड़ी सुल्ताना ते राजियां निया राजवाड़ियां ते जागीरां की खत्म करी अपनी नवी रियासत विच मदगम करी दिता। इलाका पीर पंचाल विच आम तौर पर बस्तियां ते ग्रां, पहाड़ी टलवाना ते निक्कियां निक्कियां काटियां विच आबाद होने हैं, जिथे कार कोठे ठिंडे खिलरे ने होने हैं, लोग अपने मकान अपनियां जमीना ने विच ही तैयार करने हैं। आवाम नी रोजी रोटी न दारो मदार, जिमेदारी करने ते माल चोखर पालने पर होना या। आम तौर पर मक नी काश्त होनी है, जड़ी के आवाम नी रोजमर्रा नी खुराक है, आबी जमीना विच ताई भी लाए जाने हैं। पावे उन पक्के मकान बनाने ना रवाज पैना पियाया,
पर अले भी ग्रावां विच मकान लकड़ी पत्थर ते गारे ने इस्तेमाल नाल तैयार होने हैं। मकान दो छत्ते होने हैं। बुलने इससे की डब आख्या जाना है जिथे डंगर बच्चा बदया जाना या फिर स्याले विच डेरा भी तरिया जाना या उपरला हिस्सा खुले पसार बैठक कोठार आले कमरे ते रसोई खाने विच बंडियाना होना या रसोई की बड़ी सलीके ते सफाई नाल रखिया जाना या चुल्ले ने नेड़े छीड़े बनाए जाने हैं जिन्ना उपर काल सीरियां चित्रकारी करनी हैं। रैतल ने खुराक बड़ी सादा ते स्वादली होनी है। फेरी वेले शीरी चाह ते मखने फुलके पसंद किए जाने हैं जबकि गरीब घरां विच कावे ते सत्तू ना इस्तेमाल भी होना या दिहाड़ी लस्सी रोटी साग ते लून मरचीनी चटनी आम तौर पर खादी जानी है जबकि रात वेले दाल चावल कुकड़ मांस ते कड़ी वगैरह परोसे जाने हैं। फसलां नी कपाई समाई आवै या फिर लेतरी आवै अजियां मौकियां पर टोल नी थाप पर गबरू कठे रली मिली कै काक अपने हैं काक अपने मगरू मजमानी खिलाई जानी है। खिताए पीर पंचाल नी रैतल ना बड़ा पहाड़ी हिस्सा रवायती पोशाक लाना या मर्द खुली सलवार लम्बी कमीज वास्कट लुंगी साफा या फिर कुल्ले वर पगड़ी मुंडे वर चिट्टी पट्टी ते हाथ विच बैग या सोटी रखनी है। ग्रानियां कालसिरियां ताजिकस्तानी टोपी लम्मा छिपरा सरवर रखनिया हैं। छीट ने सूट पसंद करनिया हैं। आम तौर पर एक छीट नी कुर्ती ते सलवार लानिया हैं। कुड़ियां ते मटियारां चांदी ने गहने जेबे तन करनिया हैं। इन्हां जेवरां विच हमीलां दोलड़े मरीदे लोंग छल्ले सोने नियां छापां ते गानी काबले जिक्र है। लोक अदब कुसै भी इलाके नी अवामी जिंदगी ना शीशा होना है जिस विच उथूं नी रैतल नी तर्जे जिंदगी लश्कनी रहनी है। पीर पंचाल ने इलाके ने अवाम ना लोक विरसा भी बड़ा मिठा रसीला ते स्वादला होना या अरे लग गए ने चुनिया ते कबर उपर लिखी मरे सा साड़ा कोई नहीं दुनिया ते जन माड़ा चढ़या वे जई लगा सा मोटे माड़े दिल विच बसया ना जाया होठे मिलया जरूर माड़ी जान वे मिलया जरूर माड़ी जान वे। जिंदा गीत ले लो। इस गीत विच 18वीं सदी ने एक पहाड़ी आशुक जिंदा ते उसनी महबूब नाहिद ने इश्क नी दास्तान पेश कीती गई है। ग्रावां विच कुड़ियां जदू माल चारनियां हैं ते कुसै नक्के पर बेई कै अपने महबूब या फिर बाबल की याद करनी है। इलाका पीर पंचाल ने लोक अदब ना अहम हिस्सा सूफियाना शायरी पर मबनी है जिसकी कलाम आख्या जाना या इस शायरी विच मार्फतनिया गल्ला ते इश्क मजाजी की रमस बनाई कै इश्क हकीकी ने राज बयान कीते जाने हैं। इस सूफियाना कलाम बैता सी हरफियां ते बारह मासे नी सूरत विच गाया जाना या
रुस बैठूं मेरे यार टोला तड़प में इस बन खुआर फिर दी इस खिता ने आवाम ने कुछ बखरे लोक नाच भी हैं जिन्हानी नुहार ते मुआर निवेकली ते नीच पाड़ी है इन्हां विच मांगा नाच सरी फहरिस्त है पंचाल इलाका नी रैतल ने मशगले ते खेडां भी बड़ियां खूबसूरत होनियां हैं बुगदर छंगना मर्दनी खेड मन्नी जानी है जोर अजमाई नी एक खेड सरादने दवा पासे खेडी जानी है बीनी छुड़ाना भी जोर अजमाई नी खेड है एक खेड आम तौर पर ब्याह शादियां ते फसलां नी समाई मगरू बेले वक्त विच खेडी जानी है गतका पावे नेच सिखानी खेड मन्नी जानी है ते दूजे इलाकियां विच भी गतका खेडिया जाना या पर पाड़ी सिख गतके की पाड़ी अंदाज विच खेडने हैं इलाका पीर पंचाल ने ग्रावां विच और भी मुच सारियां खेडां मकबूल हैं जिस तरह बेले वक्तां विच लोग अपने घोड़ियां की नचाने ते लड़ाने हैं इस तरह लोग शर्त बन्नी बन्नी अपने हंडू लड़ाने हैं बकरे भी कुदरे कुदरे लड़ाई जाने हैं कुकड़ लड़ाने का रिवाज तो आम है खिताए पीर पंचाल च रहने वाले लोग कश्मीर ने सूफी इज़्म की मुतासर रहे हैं ते दरवेशां ते सूफी बुजुर्गों का एहतराम करने हैं जिन्ना पहाड़ ने इलाके विच न सिर्फ इस्लाम की फरोग दिता बल्कि दूजे मजबानी इज्जत करना कुल आलम नी पलाई मंगना ते एक दूजे की बर्दाश्त करना भी सिखाया है इस आस्तै ये दरगावा इत्थू ने सांझे सकाफती ते तहजीबी विरसे नी अलामत भी है इस खित्ते दियां मशहूर दरगावा विचों शहदारा शरीफ ज़ियारत सरे फहरिस्त है किसेरा पुंछ विच साई मीरा बख्श दरवेश शोरानी ज़ियारत पर हिंदू मुसलमान ते सिख सब धर्मां दे लोग मरादा मनन आवने हैं डेरा संत पुरा नंगाली साहब इलाका पीर पंचाल ना एक और मुतबरक स्थान है जिथे 1802 विच संत भाई मेला सिंह होरां रावला कोट तो आई डेरा तरिया साहब इस मकाम पर हर रोज संतानी रोल पोल लगी रहनी है इसी तरह पीर पंचाल दियां पहाड़ियां ने बशकार इलाका मंडी विच स्वामी बुड्ढा अमरनाथ ना आस्थान है रखड़ी ने मेले उपर इत्थों ने हिंदू ते मुसलमान रली मिली के त्योहार मनाने हैं ते मकामी मुसलमान परा यात्रियों की चाय पानी ते डूंगी मोहब्बत पेश करने हैं इस विच कोई शक नहीं कि खिताए पीर पंचाल दलेर बांकड़ी ते मर्दी आले कबाइल ना इलाका है इना लोका ना तहजीबी विरसा तारीखी पस मंजर इथुनी रैतल की बखरली ते नवेकली पहचान देना है इना लोका नी एक और पहचान आपसी मेल मिलाप है उन जदूं पीर पंचाल ने पहाड़ा पर अमन ते दोस्ती न सूरज निशकन लगाया ते हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ने हाकम कलावा चारी मिलने पे है उम्मीद जगी पई है कि पुंछ रावला कोट सड़क खुली जासी
ਜਿਸ ਨਾਲ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਦਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਮਿਲਸਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤਾ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਸਨ ਇਸ ਖਿੱਤਾ ਨੇ ਕਬਾਇਲ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਨਿਕਲੀ ਪੈਸਨ This is the Peer Panchal region. Nature has bestowed it with flowers and greenery. This region is a part of the Jammu and Kashmir state, which came into existence on the 15th of March 1846 after a pact between Raja Gulab Singh of Jammu and the British government. Besides Peer Panchal, the new state was comprised of Kashmir Valley, Ladakh, Gilgit, and Hamza, etc. Peer Panchal region is located in the south and southwestern side of Jammu and Kashmir state, which includes Poonch, Rajouri, Mirpur, Bhimbar, Uri, and Muzaffarabad. Before 1947, its boundaries touched District Gujarat, Jhelum, and Hazara of western Punjab, now in Pakistan. After the turmoil of 1947, when the line of actual control was drawn in the heart of this region, the districts namely Mirpur, Bhimbar, Kotli, Bagh, Sadnuti, Rawalkot, and Muzaffarabad came under the occupation of Pakistan. But there is a similarity of language, culture, and lifestyle among the people living along both the sides of the line of actual control. The population of the region is divided into two tribes, that is Gujjar Bakarwals and Paharis. The Gujjars have a unique type of lifestyle, historical background and cultural heritage. The livelihood of a large part of the population of this tribe depends upon rearing of cattle and agricultural activities. These people normally have their habitations near the forest areas. They live in kacha houses and have a distinctive and typical tribal lifestyle. Those Gujjars who are homeless and landless are nomadic and move in tribal caravans along with herds of goats, flocks of sheep, fleet of horses from the highland to the pasture in search of fodder for their cattle. Normally they pass their nights around campfires and live in tented colonies. They are known as Bakarwals. The majority of the population of this region are known as Paharis, although the word Pahari means people of the mountains, an all-embracing term, yet it is restricted to those tribes in Jammu and Kashmir state whose mother tongue is the Pahari.
An English writer, Frederick Drew, in his book, The Northern Barrier of India, has described the Pahari as strong, hardy, brave, tough, an active race. Paharis are divided into a number of sub-castes like Malak, Jiral, Chid, Sudan, Thakyal, Tond, Damal, Pirozal, Khagar, Khakhe, Bombay, Jat, Rathor, Tamal, Sayyid, Qureshi, Pathans, etc. Those Hindus and Sikhs who live in Pir Panjal region and speak the Pahari are also known as Paharis. The original script of the Pahari was Lunde or Takri. But nowadays, Pahari is written in Shahmukhi script. The Pahari has sub-names also, like Mirpuri, Chabai, Unchi, Patharvi, Hindko, Kagani, etc. Similarly, Saiful Malook is another form of Sufiana Kalam, which is most popular in Pir Panjal region. The history of the people of this region is very ancient. In almost all